वेलकम एमबीए एकेडमी की आज की आपकी क्लास में। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डिग्री कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री में बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो आप अननोन है, जैसे पॉजिटिव में कहाँ पर एज लग जाता है और कहाँ पर सो एज लगता है। ठीक है, आई होप आज के इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जैसे पहला है ही इज एज गुड एज, इसमें निगेटिव नहीं है, यहां पर निगेटिव नहीं है। She is not so beautiful as Neelu, ये निगेटिव है। इसके बाद a cat runs as fast as a dog, ये सिंपल में है। Birds do not fly so fast as aeroplane, ये निगेटिव। ठीक, इन सब का आपको कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है। अब आपको सबका कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है, कैसे इसको चेंज करेंगे? देखिए, एक बार समझ लो, जहां पर नॉट नहीं लगा आपको वहां नॉट लगाना है, और जहां नॉट लगा है वहां से आपको नॉट रिमूव करना। इसमें इसकी कंपेयर इससे की जा रही। एज का मतलब होता है कि जितना इसके अंदर क्वालिटी है उतनी ही इसके अंदर क्वालिटी, ये बंदा इससे कम नहीं है उस एक क्वालिटी को लेकर, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुकेश इज, अब हम नॉट लगाएंगे, इज नॉट गुड की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर। ठीक, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, बात समझ में आई, मतलब मुकेश उससे अच्छा नहीं है, उसी का इक्वल है, उसी के इक्वल है। ठीक, शी इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज नीलू। ठीक, अब यहां नॉट आ गया, मतलब वो इतनी सुंदर नहीं है जितनी की नीलू। अब यहां नॉट हटेगा, क्या हो जाएगा, नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन शी। क्लियर, देखो ये तो आपको ऑग्ज़ीलरी वर्ब मिल रहा था, तो आपके लिए बहुत आसान था इसको सॉल्व करना, है ना। अब देखिए, यहां पर रन्स मिल गया, यानी ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का। अब ये प्रॉब्लमेटिक है, बाय प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अब इसका निगेटिव बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव जब हम बनाते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट प्लूरल के साथ लगता है, डज नॉट सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक, डू नॉट हो या डज नॉट हो, एस या ई एस दोनों के साथ नहीं लगता, रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अ कैट था, सिंगुलर था, एस या यस लग गया। अब जब हम कॉम्परेटिव बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, अ डॉग, अ डॉग। ठीक, अब हम इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, डज नॉट, अ डॉग डज नॉट रन। अब ये एडजेक्टिव है, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री फास्टर देन अ कैट, बात समझ में आई, मतलब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां की हेल्पिंग वर्ब होगी, कॉम्परेटिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां की हेल्पिंग वर्ब होगी। अगला सेंटेंस इसी के रिगार्डिंग है, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज एरोप्लेन। देखो, बर्ड्स यहां प्लूरल था तो डू नॉट लगा था, ठीक, बट अब हम जब कॉम्परेटिव बनाएंगे तो हम एरोप्लेन के साथ चलेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, एरोप्लेन, एरोप्लेन। अब ये डू नॉट हमें रिमूव करना है, यानी फ्लाई का आई, सॉरी एस या आई एस फॉर्म आ जाएगा, फ्लाइज। ठीक है, फास्ट की कॉम्परेटिव डिग्री फास्टर देन बर्ड्स, बात समझ में आ गई, मतलब अगर हमें नॉट लगाना है तो हमें पहले कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, और अगर नॉट हटाना है तो भी हमें कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, मुझे लगता है अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जहां पर नॉट नहीं लगेगा वहां आपको नॉट ऐड करना है, जहां पर नॉट लगा है वहां आपको नॉट रिमूव करना है, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी आते हैं, जैसे इसको दे दिया फिर बोल देंगे इसको निगेटिव असर्टिव में बदलो। ठीक है, देखिए, जैसे अब कुछ पॉजिटिव हैं जो एज सून से लग के बनेंगे, कुछ में मच आएगा, ठीक है, कुछ
इस तरह के सेंटेंस है जिसमें दो सेंटेंसेस आपको ऐड लगेंगे। जैसे पहला है आई वुड एज सून डाई एज टेल अ लाई, मतलब मैं जैसे ही झूठ बोलूं मैं मर जाऊं, मेरी डेथ हो जाए, है ना। इसका कॉम्परेटिव कैसे बनेगा, तो क्या होगा भाई, यहां पर एक ही बंदे की बात की जा रही है, तो क्या होगा आई वुड, ठीक, हेल्पिंग वर्ब आपने पता ही है, आई वुड सून की कंपरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, सूनर, सून की कंपरेटिव डिग्री हो जाएगी सूनर डाई, ठीक, आई वुड सूनर डाई देन टेल अ लाई, देन टेल अ लाई, ठीक है। अब एक चीज और समझिए कि यहां सूनर की जगह रेदर भी आ सकता है आपके ऑप्शंस में, तो ये भी सही है। I would sooner die than tell a lie. ठीक, नेक्स्ट है, he is not as much honesty as money. ठीक है, मतलब उसके पास उतनी ऑनेस्टी नहीं है जितना कि धन, ठीक, क्या हो जाएगा, he has more money than honesty, क्लियर। ये मच की कॉम्परेटिव डिग्री मोर। अ वुमेन सो नोबल एज मदर टेरेसा वॉज नेवर बॉर्न, यहां पर कौन सा वर्ड एडजेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा है, नोबल, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, नोबलर, तो क्या होगा a nobler woman than मदर टेरेसा, किससे कंपेयर की जा रही है, मदर टेरेसा से, than मदर टेरेसा was never born, बात समझ में आई। इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको करने का कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे लिखा है आई वुड as soon die as tell a lie, तो आई वुड तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से बात की जा रही है, फिर इसकी कॉम्परेटिव डिग्री सूनर बनाओ, बात किसकी की जा रही है, डाई देन टेल अ लाई, ही हैज नॉट एज मच ऑनेस्टी एज मनी, ऑनेस्टी और मनी का कंपेयर हो रहा है, ज्यादा किसको बता रहे हैं, मनी को बता रहे हैं, मच की कॉम्परेटिव डिग्री मोर होगी, नॉट लगा है, हमें नॉट हटाना है, ये आपको मैं बता चुकी हूं। A woman so noble as Mother Teresa was never born. ये already negative integrate कर रहा है, तो a nobler woman than Mother Teresa was never born. ठीक है, देखिए ये कुछ sentences लिखे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस degree में है, तो आप clear बताओगे कि भाई ये सब comparative degree में, क्योंकि more लगा है, than लगा है, तो ये सब comparative degree में। अब मैं आपसे बोलूं कि इन्हीं का कॉम्परेटिव डिग्री फिर बनाओ, ये कॉम्परेटिव डिग्री में है ऑलरेडी, अब इनका फिर कॉम्परेटिव डिग्री बनाओ, इज दिस पॉसिबल। आप सब सोचेंगे कि ये मैम ऐसे कैसे बोल रही हैं कि कॉम्परेटिव में है कोई चीज और उसको फिर से कॉम्परेटिव बनाओ, दिस इज पॉसिबल। कैसे, बस आपको उसका अपोजिट यूज करना है, कम के सेंस में, मोर का मतलब होता है ज्यादा, और उसी का हम जब इसको लेस कर देंगे तो वो कम हो जाएगा, बट ये यूज करने पे डिपेंड करता है कि वो अगर मात्रा है तो लेस यूज होगा, और अगर क्वांटिटी में जा रहा है तो वो फेवर में जाएगा। ठीक है, देखो पहला, मोहन हैज मोर इंक देन सोहन, इंक किसके पास ज्यादा है, मोहन के पास, किससे, सोहन से, यानी सोहन के पास इंक कम है, तो ये क्या हो जाएगा, सोहन हैज, ठीक। अब ये मोर इंक जो है, इसको मोर को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस इंक देन मोहन, बात समझ में आई। कॉम्परेटिव डिग्री का ही कॉम्परेटिव डिग्री इस फॉर्मेट से बनेगा, आभा हैज मोर वॉटर देन प्रभा, मतलब पानी किसके पास ज्यादा है, प्रभा के पास, सॉरी प्रभा के पास कम है, तो क्या हो जाएगा, प्रभा हैज लेस वॉटर देन आभा, ठीक। इसके बाद अ लाइब्रेरी हैज मोर बुक्स देन अ क्लासरूम, अब यहां लेस नहीं लगा सकते हो, ठीक है, आप यहां लेस नहीं लगाओगे क्योंकि यहां पे अब क्वांटिटी की बात हो गई,
तो क्या हो जाएगा, अ क्लास रूम हैज फेवर बुक्स देन अ लाइब्रेरी। बात समझ में आई? मतलब अगर कॉम्परेटिव डिग्री का ही कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है तो मोर का अपोजिट यूज कर लो। ठीक, सो देखिए, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि मोहन हैज मोर इंक देन सोहन, मोहन के पास सोहन से ज्यादा इंक है, मतलब सोहन के पास इंक कम है, सोहन हैज लेस इंक देन मोहन। क्लियर? अब देखो कुछ पॉजिटिव डिग्री क्या होंगी, जो नो अदर से स्टार्ट होती हैं और कुछ वेरी फ्यू से स्टार्ट होती हैं। ठीक, जो नो अदर से स्टार्ट होंगी उनका फॉर्मेट क्या होगा, पहले नो अदर आएगा, फिर नाउन वन होगा जो सिंगुलर में होगा, ये याद रखिएगा। एरर इसी से आती है, इसको प्लूरल रख देंगे फिर आपको उसको सिंगुलर करना है। ठीक है, ये सिंगुलर होगा, फिर इसका कुछ ना कुछ ग्रुप दिया होगा, अभी एक एग्जांपल लिखेंगे आप समझ में आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब होगी एज होगा, एडजेक्टिव होगा एज होगा, और ये जो नाउन टू है, ठीक है, फिर नाउन टू गिवन होगा। जैसे लिखा हो नो अदर पोएट इन इंडिया इज एज फेमस एज कालिदास। ठीक, नो अदर पोएट इन इंडिया इज एज फेमस एज कालिदास। अब देखो इसमें सब कुछ आपको गिवेन हो गया, क्या क्या, नो अदर मैंने कहा था मिल गया, नाउन फर्स्ट है तो पोएट हो गया, ग्रुप क्या है इन इंडिया, हेल्पिंग वर्ब इज एज, ये मिल गया, एडजेक्टिव फेमस हो गई, फिर ये एज हो गया, नाउन टू कालिदास हो गया। अब आपसे कहा जाएगा इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाओ। ठीक है, तो कॉम्परेटिव डिग्री का भी एक रूल होगा, एक फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर देखो कैसे आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना होगा नाउन टू, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखनी है, सीडीए भी बोलते हैं इसको, फिर आपको लिखना है देन, फिर आपको लिखना है एनी अदर या फिर ऑल अदर, और इसके बाद प्लस नाउन वन। बस एक चीज याद रखना, अगर देन के बाद एनी अदर लगा रहे हो तो ये नाउन सिंगुलर होगी। ठीक, और अगर देन के बाद ऑल अदर लगा रहे हो तो ये नाउन प्लूरल होगी। नाउन वन एनी अदर के साथ सिंगुलर होगा और ऑल अदर के साथ प्लूरल होगा। ठीक, इसके बाद ग्रुप। ठीक, तो सबसे पहले नाउन टू उठाओ, नाउन टू क्या है, कालिदास। ठीक है, कालिदास, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव की बनती है, फेमस है तो इसका क्या हो जाएगा, मोर फेमस। ठीक है, फिर देन, हमने एनी अदर लगा दिया, देन एनी अदर। ठीक है, अब ग्रुप क्या है, सॉरी नाउन वन है, नाउन वन मतलब पोएट, एनी अदर पोएट इन इंडिया। कंसेप्ट समझ में आया, बात समझ में आई? पॉजिटिव से कॉम्परेटिव जब नो अदर के फॉर्म में बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर होगा। मैंने आपको बता दिया कि नो अदर का स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका कॉम्परेटिव बनाओगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा। बस ये याद रखना कि अगर एनी अदर लगा रहे हो तो नाउन में सिमिलर होगा, अगर ऑल अदर लगाते तो नाउन प्लूरल होती, मतलब पोएट की जगह पोएट्स हो जाता। एरर यहीं से आती है, ठीक है, यहाँ पोएट लिख कर देंगे और ऑल अदर लगा देंगे, तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, रूल याद करना है कि ऑल अदर
प्लूरल एनी अदर सिंगुलर नाउन टू, ठीक है। देखिए नो अदर के बाद अब वेरी फ्यू वाला देखो, इसमें क्या होगा कि पहले वेरी फ्यू आएगा, ये देखिए ये वेरी फ्यू आ गया, फिर नाउन फर्स्ट आएगा, ये नाउन फर्स्ट वर्ड प्लूरल फॉर्म में होगा, ये नाउन फर्स्ट प्लूरल होगा, यानी ड्रामेटिस्ट, देखिए ये एस लगा है, ये प्लूरल हो गया। फिर ग्रुप आएगा यानी इन इंग्लिश लिटरेचर, ये आपका ग्रुप हो गया। हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियस सी बात है, ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। फिर एज ये मिल गया, एडजेक्टिव ग्रेट की मिल गई, फिर वो एज लग गया और नाउन टू यानी गर्ल्स वर्ब, ये हो गया पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अब आपको इससे कॉम्परेटिव बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले नाउन टू, अब इसी नाउन टू के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सीडीए यानी कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फिर देन, अब इसके बाद याद रखना मोस्ट अदर आता है। अगर पॉजिटिव डिग्री आपकी वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो कॉम्परेटिव डिग्री में देन के बाद मोस्ट अदर लगेगा, ठीक है। फिर नाउन वन, एज यूजुअल और फिर ग्रुप, बात समझ में आ गई। वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट होती है तो पहली नाउन प्लूरल में होगी और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में होगी। इसका जब आप कॉम्परेटिव डिग्री बनाओगे तब रूल अलग होगा, आपको देन के बाद मोस्ट अदर लगाना है और नाउन टू ऑब्वियस सी बात है प्लूरल में है तो वो प्लूरल में रहेगा बाद में। देखो नाउन टू क्या है, गर्ल्स वर्दी, सॉरी नाउन वन गर्ल्स वर्दी, हेल्पिंग वर्ब अब यहां इज हो जाएगी, बात समझो, ये सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर हो जाएगा। कॉम्परेटिव डिग्री ग्रेट एडजेक्टिव है, इसकी सीडीए ग्रेटर, ठीक। फिर देन इसके बाद मोस्ट अदर, इसके बाद नाउन वन क्या था, ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट, इसके बाद ग्रुप इन इंग्लिश लिटरेचर, बात समझ में आ गई। ये जितने भी रूल थे ये सारे रूल पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाने के थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको एज वाले कराए, सो एज वाले कराए, वेरी फ्यू कराया, नो अदर कराया, ठीक है, कॉम्परेटिव का ही कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कराया। इसका जस्ट अपोजिट कॉम्परेटिव से पॉजिटिव होता है, वो आप कर लोगे। अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो मैं उसका एक वीडियो और अपलोड कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल कल जो वीडियो आएगा वो पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने के लिए आएगा, अभी हम कॉम्परेटिव में नहीं आए हैं, अभी हम पॉजिटिव में चल रहे हैं। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव से सुपरलेटिव। अगर आपको इसका इन्वर्जन चाहिए, मीन्स कॉम्परेटिव का पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा, मैं वीडियो एक और अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। वेरी फ्यू का है ये स्ट्रक्चर बना है, अगर ये फॉर्मूला आपने ध्यान से समझ लिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।